महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कभी बेमौसम बारिश से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान, तो कभी उपज का सही दाम न मिल पाने से आर्थिक नुकसान। वहीं अब राज्य के कई जिलों में फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे किसान बेहद परेशान है। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश में कुछ फसल बच भी गई तो उसे अब कीटों ने बर्बाद कर दिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दरअसल कई फसलों पर कीटों का खतरा मंडरा रहा है और कई जगहों पर बीमारियां फसलों को प्रभावित कर रही हैं। भंडारा जिले में भारी बारिश और कीट प्रकोप के कारण धान की फसल को फिलहाल काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जिले के किसानों ने कहा है कि उन्होंने धान की खेती में आग लगाने को वो मजबूर हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि खड़ी फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ता जा रहा है, इसके चलते किसान खड़ी फसलों को जला रहे हैं, क्योंकि इस फसल से अब किसानों को फिलहाल आमदनी मिलने की उम्मीद कम है। वहीं जिले के लखनदूर तालुका में रहने वाले किसानों ने भी धान की खेती की थी और शुरुआत में बाढ़ और फिर दोहरी बुआई के संकट के कारण उन्होंने भी अपनी खेती पर काफी पैसे खर्च किए और उसके बाद धान की फसल पर कीड़ों का प्रकोप बढ़ने से फसलें बर्बाद हो गई, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। अब किसानों ने अपने खेतों में खड़ी फसलों को आग लगाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।